अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, तो सीएनएस फार्माकोलॉजी के अंदर आज हमने नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है, दैट इज एंटी डिप्रेसेंट। ठीक है जी, एंटी डिप्रेसेंट मैं आपको बताऊंगी कैटजन में से भी और लिपिन में से भी और कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी ऐड कराऊंगी। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सो एंटी डिप्रेशन पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि डिप्रेशन क्या है। डिप्रेशन डिजॉर्डर है मूड का, ठीक है। इट इज अ डिजॉर्डर ऑफ मूड और ये वेरी करता है, बहुत माइल्ड कंडीशन से सीरियस कंडीशन का भी ये हो सकता है और प्रॉपर ट्रीटमेंट एक्वायर्ड होता है सीरियस केसेज में, क्योंकि सीरियस केसेज में जो डिप्रेशन का पेशेंट है उसमें सुसाइडल थॉट्स आना शुरू हो जाती है, वो सुसाइड कर सकता है। उसके अलावा ये मेड्यूलरी कॉम्प्रेशन करके मेड्यूला में न्यूरॉन्स वगैरह को जब कॉम्प्रेस करता है तो आपको पता है मेड्यूला ब्रेन स्टेम के लेवल पे होता है और वहां पे सीएनएस सेंटर भी होता है, हमारा रेस्पिरेटरी सेंटर भी होता है। तो उनकी कॉम्प्रेशन की वजह से रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस भी प्रोड्यूस हो सकता है, कार्डियोवेस्कुलर फेलियर भी हो सकता है, कोमा में भी जा सकता है पेशेंट और इवन के डेथ भी हो सकती है। सो डिप्रेशन बहुत सीवियर बीमारी है। हाँ, ये रेंज करती है, कुछ लोगों को बहुत माइल्ड सी होती है और कुछ में ये सीवियर शक्ल अप्लाई कर लेती है, ठीक है। सो ये एक सीरियस डिसऑर्डर है मूड का। अब ये जो डिप्रेशन है बच्चों, आपने याद रखना है, इसको हम दो टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं। एक हमारे पास होता है एक्सोजीनियस डिप्रेशन, ठीक है। एक्सोजीनियस डिप्रेशन वो होता है जिसको एनवायरमेंटल फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं, इसको हम रिएक्टिव डिप्रेशन भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे किसी बहुत करीबी की डेथ हो गई है, ठीक है, उसकी वजह से हम सोच रहे हैं चीजों को, बहुत ज्यादा डिप्रेस हो गए हैं, तो ये एक्सोजीनियस डिप्रेशन है। या पेशेंट ने ये कह दिया है कि मुझे कैंसर है या मेरी वालदा को अल्लाह ना करे कैंसर है, तो इस चीज को जब सोच सोच के ये इन्वायरमेंटल फैक्टर जो है इसकी वजह से हम जब डिप्रेशन में चले जाते हैं तो ये एक्सोजीनियस डिप्रेशन होता है और ये बहुत सीवियर नहीं होता, इसको प्रॉपर ट्रीटमेंट की जरूरत भी नहीं होती। जब वो कंडीशंस ठीक होती हैं तो आप विद टाइम खुद नॉर्मलाइज हो जाते हो, ठीक है। सेकेंड पे आ जाता है हमारे पास एंडोजीनियस डिप्रेशन। अब ये जो एंडोजीनियस डिप्रेशन है असल में यही मेजर डिप्रेशन डिसऑर्डर है और इसमें आपको ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है, क्योंकि यही मेजर डिसऑर्डर है, यही आपके मूड को डिस्टर्ब करता है, इसको मेडिकल ट्रीटमेंट की रिक्वायर्ड होती है। और अगर स्वेयर केसेस में ये चला जाए, हम ट्रीटमेंट ना करें, तो इसकी वजह से पेशेंट में सुसाइडल रिस्क बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। उसके अलावा हार्ट रिलेटेड डिजीजेज आ सकते हैं। अब क्यों डिजीजेज आते हैं वो बात भी मैंने आपको बताई, और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस वगैरह या कोमा की सिचुएशन प्रोड्यूस हो सकती है। थोड़ा सा हम डिप्रेशन के बारे में पढ़ रहे हैं, फिर हम इसकी फार्माकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स पे जाएंगे। अब नेक्स्ट बात आ जाती है कि अगर पेशेंट आ जाता है आपके पास डिप्रेशन का, उसके साइन और सिम्टम्स किस तरह से होंगे, वो किस तरह आपके पास प्रेजेंट करेगा। तो कुछ इमोशनल साइंस होंगे और कुछ बायोलॉजिकल साइंस होंगे। इमोशनल साइंस में अगर हम बात करेंगे तो इमोशनली वो बहुत ज्यादा डिप्रेस होगा, डीमोटिवेटेड होगा, अग्लीनेस की फीलिंग होगी, गिल्ट की फीलिंग होगी, लो सेल्फ एस्टीम होगी, ये सारी चीजें, कि उसमें मोटिवेशन नहीं है, जिंदगी को बहुत नेगेटिव सोच रहा होगा और इस तरह की चीजें उसके अंदर होंगी। और बायोलॉजिकल अगर हम बात करेंगे, बायोलॉजिकल क्या चेंजेस आ रहे होंगे उसमें, तो थॉट की रिटार्डेशन हुई भी होगी, ठीक है। उसके अलावा सेक्शुअल फंक्शन उसके बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होंगे, लिबिडो होगा, लॉस ऑफ सेक्शुअल डिजायर होगा, इसी तरह स्लीप डिस्टर्बेंस भी होगी और एपेटाइट चेंजेस भी देखने में आएंगे। तो ये डिप्रेशन का पेशेंट कुछ साइन एंड सिम्टम्स के साथ अपीयर करेगा। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताऊंगी कि इसकी पैथोजेनेसिस क्या है, डिप्रेशन हो क्यों रहा है। जब आपको ये समझ आएगी तो ही आप इसका ट्रीटमेंट अप्लाई कर सकते हो। सो अगर हम पैथोजेनेसिस की बात करें बच्चों, तो कैटजन के अंदर हमें बताया हुआ है कि डिप्रेशन के लिए एक थ्योरी प्रेजेंट की गई जिसे हम माइंड हाइपोथेसिस या थ्योरी भी कहते हैं, ठीक है। अब ये अमाइन हाइपोथेसिस या अमाइन थ्योरी आपको क्या बात बता रही है, आपको ये कहती है कि सीएनएस के अंदर जो दो मेजर अमाइन्स हैं, न्यूरो नॉरएपिनेफ्रीन और सिरोटानीन, ठीक है, जब नॉरएपिनेफ्रीन और सिरोटानीन के लेवल्स कम हो जाते हैं तो पेशेंट का जो मूड है वो डिप्रेस हो जाता है, और जब सिरोटानीन और नॉरएपिनेफ्रीन के लेवल ज्यादा होंगे तो मूड उसका एलिविएट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर पेशेंट डिप्रेस है तो उसके सीएनएस के अंदर अमाइन्स कम है, नॉरएपिनेफ्रीन और सिरोटानीन कम है, तो मूड डिप्रेस है, वो डिप्रेसेंट होगा, और अगर ये ज्यादा है तो वो एलिवेट हो जाएगा। सो अगर एक एंटी डिप्रेसेंट पेशेंट आ रहा है आपके पास तो उसकी उसमें आपको क्या मिलेगा, नॉरएपिनेफ्रीन और सिरोटानीन कम होगा। और ट्रीटमेंट स्ट्रेटेजी क्या है, हमने कोई ऐसा ट्रीटमेंट अप्लाई करना होगा कि हम नॉरएपिनेफ्रीन और सिरोटानीन के लेवल्स को बढ़ाएं। अब नॉरएपिनेफ्रीन और सिरोटानीन को हम 5 तरीकों से बढ़ा सकते हैं। मेजरली आप ये तरीके समझ लें, इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझ लें, इनकी ड्रग्स को याद कर लें, तो बस यही है एंटी डिप्रेसेंट, ठीक है। सो एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स में वो ड्रग्स आएंगी जो किसी भी तरह आपकी बॉडी के अंदर नॉरएपिनेफ्रीन और सिरोटानीन के लेवल्स को बढ़ाएगी।
अब हम बात कर लेते हैं उन ड्रग्स की, लेकिन उन ड्रग्स को पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा मैकेनिज्म समझाऊंगी ताकि आप ड्रग्स समझ सकें। तो नॉर्मली आपको पता है कि हमारे पास क्या है, ये एक नर्व टर्मिनल है। इस नर्व टर्मिनल में से क्या रिलीज हो रहा है, नॉरएपिनेफ्रिन, और इस नर्व टर्मिनल में से क्या रिलीज हो रहा है, सेरोटोनिन। ठीक है, ये जो नॉरएपिनेफ्रिन और सेरोटोनिन रिलीज हो रहे हैं ये पोस्ट सिनैप्टिक मेम्ब्रेन के ऊपर जाके अपने स्पेसिफिक रिसेप्टर पे लगेंगे और जो भी एक्शन इन्होंने करना है ये करेंगे। बेसिकली ये एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। लेकिन कुछ टाइम के बाद कुछ टाइम के बाद जब नॉरएपिनेफ्रिन रिसेप्टर पे लगता है तो मोर देन 80% जो है इसकी रीअपटेक हो जाती है। ठीक है, ये मेजर मैकेनिज्म था, हमने एएनएस में पढ़ा था इसके डिस्पोजल का या इसके मेटाबॉलिज्म का, कि ये 80% नॉरएपिनेफ्रिन ट्रांसपोर्टर और ये सेरोटोनिन ट्रांसपोर्टर की मदद से क्या हो जाता है, रीअपटेक हो जाता है। जब ये रीअपटेक होता है तो क्या होता है, ये आपके पास नॉरएपिनेफ्रिन आया वापस से, इस नॉरएपिनेफ्रिन के ऊपर एक्ट करेंगे मोनोअमाइन ऑक्सीडेजेस और इसको किसमें कन्वर्ट कर देंगे, इनएक्टिवेटेड मेटाबोलाइट में, और ये इनएक्टिवेटेड मेटाबोलाइट यूरिन में एक्सक्रीट हो जाएगा। यूं नॉरएपिनेफ्रिन डिस्पोज हो जाता है। सेम एज सेरोटोनिन के ऊपर भी एक्ट करता है मोनोअमाइन ऑक्सीडेज, और जब कम करता है तो ये इनएक्टिवेटेड सेरोटोनिन बनता है और इनएक्टिवेटेड सेरोटोनिन आपके यूरिन में एक्सक्रीट हो जाता है। ये नॉर्मल मैकेनिज्म चल रहा है। अब जो आपके पास डिप्रेशन का पेशेंट है, उस डिप्रेशन के पेशेंट में ये मसला है कि नॉरएपिनेफ्रिन और सेरोटोनिन सिनैप्टिक क्लेफ्ट में कम है। हमने ट्रीटमेंट अप्लाई करना है और ट्रीटमेंट में हमारी स्ट्रेटेजी इस तरह होनी चाहिए कि हम किसी भी तरह सेरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन के लेवल को सिनैप्टिक क्लेफ्ट में बढ़ा सकें। तो इसको बढ़ाने के 3-4 तरीके हैं जिनसे आपने याद रखना है। मैंने इस बुक के अंदर देखा था निमोनिक्स वैली, इसमें लिखा हुआ था मारिया, तनवीर, स्वीट, स्वीट है। ठीक है, ये 5 ड्रग्स हैं, ये 5 मेन ड्रग्स की क्लासेस हैं जिन्हें आप यूज करके डिप्रेशन को ट्रीट कर सकते हो। अब ये 5 क्लासेस कैसे काम करेंगी मैं बताती हूँ। सबसे पहले अगर सोचो हम क्या दे दें, मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर दे दें, तो ये जो नॉरएपिनेफ्रिन और सेरोटोनिन इनएक्टिवेट होके बॉडी से निकल रहा है ये नहीं निकलेगा, सो ये पाथवे हमारे पास इनहिबिट हो जाएगा और होगा क्या कि ये नॉरएपिनेफ्रिन दोबारा से वेसिकल के अंदर पैक होगा और सिनैप्टिक क्लेफ्ट में रिलीज होगा। यू नॉरएपिनेफ्रिन की रीअपटेक हो रही है लेकिन वो फिर रिलीज हो रहा है और लेवल उसके बढ़ रहे हैं। सेम एज सेरोटोनिन की भी ब्रेकडाउन नहीं होगा, मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, बल्कि ये आपकी सिनेप्टिक क्लेफ्ट में दोबारा से रिलीज होगा। तो सबसे पहला तरीका हमने क्या कर लिया, मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर दे दिए, और इनहिबिटर दे के हम सिनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर सेरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन के लेवल्स को बढ़ा सकते हैं। दूसरा काम हम क्या कर सकते हैं कि ये जो रीअपटेक थी हम इसको ब्लॉक कर दें। ठीक है, तो दूसरा तरीका हमारे पास ये है कि हम इन ट्रांसपोर्टर्स को ब्लॉक कर दें। जब ये ट्रांसपोर्टर्स ब्लॉक हो जाएंगे तो री अपटेक ब्लॉक हो जाएगी। ठीक है, सो टी से आपने क्या याद रखना है, TCA, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट। ये ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट क्या करते हैं, इनहिबिट कर देते हैं री अपटेक को। ये री अपटेक इनहिबिटर है। किसकी री अपटेक को इनहिबिट करते हैं, दोनों की, नॉरएपिनेफ्रिन की भी और सेरोटोनिन की भी। ठीक है, और जब इन दोनों की री अपटेक को इनहिबिट करते हैं तो इनके लेवल्स को यहां पे बढ़ा देंगे। तीसरा चीज हमारे पास क्या आ जाता है, एस से हमारे पास आ जाता है सिलेक्टिव, सॉरी, सेरोटोनिन नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर। ये जो सेरोटोनिन नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर है ये भी सेरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन की रीअपटेक को ब्लॉक करेंगे, सेम एज टीसीए। तो दोनों में फर्क क्या है, दोनों में फर्क ये है कि ये जो टीसीए है ना सिर्फ ये सेरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन की रीअपटेक को इनहिबिट करता है बल्कि ये बहुत सारे और रिसेप्टर पे भी एक्ट करता है। अल्फा रिसेप्टर पे एक्ट करता है, उसके अलावा हिस्टामिनिक रिसेप्टर पे एक्ट करके उन्हें ब्लॉक करता है, मस्क्यूरेनिक रिसेप्टर को ब्लॉक करता है, तो मल्टीपल एडवर्स इफेक्ट कॉज करता है। इसलिए टीसीए की जगह हम किसको प्रेफर करते हैं, सेरोटोनिन नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर्स को। थर्ड में हमारे पास आ जाती है, फोर्थ में फिर ऐसा आ रहा है, तो इसे आप याद रखोगे, सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, यानी ये सिलेक्टिवली सिर्फ सेरोटोनिन की रीअपटेक को ब्लॉक करेगा। ठीक है, नॉरएपिनेफ्रिन को हम नहीं ब्लॉक करना चाह रहे क्योंकि नॉरएपिनेफ्रिन के कार्डियोवास्कुलर रिलेटेड एडवर्स इफेक्ट बहुत ज्यादा है। सो हम सिलेक्टिवली सिर्फ सेरोटोनिन को अगर बढ़ाना चाह रहे हैं और उसके मूड को एलिविएट करना चाह रहे हैं तो हम सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर दे देंगे। अब इसमें कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं मैं बारी बारी आप लोगों को समझाऊंगी। पहले हम 5 क्लासेस देख रहे हैं जिनको यूज करके हम डिप्रेस पेशेंट को ट्रीट कर सकते हैं। फाइनल हमारे पास आ जाता है HT एंटेगनिस्ट। ठीक है, HT एंटेगनिस्ट, H किसका है, से H किसका, किसको कहते हैं, हाइड्रोक्सी
ट्रिप्टोफेन यानी ये सेरोटोनिन का ही रिसेप्टर होता है और हम इसको एंटागनाइज कर रहे हैं। अब क्यों एंटागनाइज करें ये चीज मैं आपको आगे समझाऊंगी। सो यहां पे आपको एक आइडिया हो गया कि डिप्रेशन क्या है। दो तरह का है, डिसऑर्डर है मूड का, एक्सोजीनियस एंडोजीनियस। एक्सोजीनियस में ट्रीटमेंट नहीं चाहिए, एंडोजीनियस वेयर होता है, इसमें ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड है। होता क्यों है? अगर अमाइन हाइपोथेसिस ने बताया, अगर अमाइन के लेवल्स कम होंगे तो पेशेंट डिप्रेशन में चला जाएगा। सो ट्रीटमेंट स्ट्रेटेजी ऐसी होनी चाहिए कि हम अमाइन के लेवल्स को बढ़ाएं। अब अमाइन के लेवल्स को हम कैसे बढ़ा सकते हैं? अगर हम उनके मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट कर दें या हम उनको रीअपटेक ना होने दें और सैनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर हम उसके लेवल्स को बढ़ाएं। और ये हम किन तरीकों से कर सकते हैं? मारिया तनवीर स्वीट स्वीट है, यानी मोनोमाइन ऑक्सीडेज दे सकते हैं, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट दे सकते हैं, सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर या सेरोटोनिन नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर दे सकते हैं, या फिर हाइड्रोक्सीट्रिप्टोफैन एंटेगनिस्ट या एचटी एंटेगनिस्ट दे सकते हैं। अब मैं आप लोगों को आगे सबसे पहली क्लास स्टार्ट कराऊंगी कि अगर हमने टीसीएस देने हैं पेशेंट को तो इसमें कौन सी ड्रग्स आ जाती हैं और इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन तो समझ आ गया है, कहां कहां यूज करेंगे, कहां यूज नहीं करेंगे, एडवर्स इफेक्ट क्या है। ठीक है।